रिकॉर्डिंग मोड रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, हो गया है कि लेट होगा? हो जाएगा, स्टार्ट कर लो ना, रिकॉर्डिंग रख लो। थैंक यू, थैंक यू आप सबको भी, निशिकांत जी आपको भी बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद। तो नेशनल सिविल सर्विस डे का जितना भी हो सकता था आप लोग, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चंस किया गया, क्यूजा जो आयोजित की गई थी, तो जो भी जानकारी चाहिए वो सब कुछ मिल गया होगा। ठीक है ना, मेटकॉप हाउस से लेकर फर्स्ट स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, फादर ऑफ सिविल सर्विस, सब पता है ना, अब पूछने की जरूरत नहीं है। तो एक आपको जानकारी हो गई, जिस सर्विस में आप इंटर करने जा रहे हैं, जिस सर्विस के बारे में, उसकी इंटीग्रिटी, डिग्निटी, एवरीथिंग जो है वो आप समझ चुके हैं। चूंकि सिविल सर्वेंट का काम क्या है, न केवल इम्प्लीमेंटेशन है बल्कि पॉलिसी मेकिंग का सब काम जो है वो सिविल सर्वेंट द्वारा किया जाता है। यानी कि आप ये सोच सकते हैं कि देश का जो पॉलिसी है, जो डिसीजन वगैरह मेकिंग जो है वो सिविल सर्वेंट के द्वारा किया जाता है। इसी को डेडिकेट करके 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। और फर्स्ट टाइम जो है हमारे पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मेटकॉप हाउस में न्यूली अपॉइंटेड सिविल सर्वेंट को उन्होंने संबोधित किया था, और देशभक्ति और तमाम तरह की बातें की गई थी, जिसमें साथ ही उन्होंने कहा था कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया जो है वो सिविल सर्वेंट है, इंडियन ब्यूरोक्रेसी है, और ये साबित भी होता रहा है। आप जैसे तैसे डेवलपमेंट और बाकी का जो काम देखते रहें, उसमें कहा जाता है ना कि जो आई एस ऑफिसर होते हैं एवरीथिंग वो डिसीजन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग बढ़ता है, और जो भी आप पेपर वगैरह देखते हैं, जितनी भी गजेटेड से लेकर सब कुछ वो तैयार करता है। उस सर्विस के बारे में एक सम्मान जो है वो आप सबके बीच तो होना ही चाहिए, उसकी डिग्निटी इंटीग्रिटी के बारे में भी जो है आपको जानना चाहिए। साथ ही आप चूंकि उस सर्विस के बारे में इंटर करने जा रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उस सर्विस के बारे में भी डिटेल्स जानने की ज़रूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज मेगा क्विज कंपटीशन आज आयोजित किया गया था, जिसमें कि सभी मिशन 50 के अलावा जो बाकी बाहर के भी जो स्टूडेंट हैं उनको मौका दिया गया था 1-3 को एक अच्छे मोमेंटो के साथ सम्मानित तो किया जाएगा। बाकी सभी स्टूडेंट के लिए भी कुछ खास चीज़ें हैं, वो आप लोगों को एक डायरी दी जाएगी। ठीक है, तो एक जितने भी आए हैं सभी को डायरी भी दी जाएगी, और साथ ही एक प्रण के साथ कि आपका कमिटमेंट होना चाहिए, जो आप आईएएस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसको आपको करना चाहिए। और उसके बारे में जो सम्मान है आज नेशनल लेवल पर देख सकते हैं, विज्ञान भवन में कार्यक्रम आयोजित हो रही है, जिसमें कि पीएम अवार्ड्स दिया जाता है, जिसमें कि जो अच्छे सिविल सर्वेंट जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में आउटस्टैंडिंग वर्क किया है, या सिविल सर्वेंट्स के ग्रुप्स या स्टेट के जो डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने अच्छे वर्क किए हैं इस पूरे साल में, उनको सम्मानित किया जाता है। फर्स्ट टाइम 2006 में बड़े पैमाने पे दिल्ली के विज्ञान भवन में इसका आयोजन किया गया था, और तब से जो है रेगुलरली अभी भी आज भी यह नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया जा रहा है विज्ञान, हालांकि पूरे भारत में मनाया जा रहा है, लेकिन विज्ञान भवन में उसका कार्यक्रम है, जिससे कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी अच्छे उन्होंने आपने देखा होगा न्यूज पेपर में ही, उनको आज सम्मानित किया जा रहा है। और टाइम टू टाइम जो है वो उसका एवेल्युएशन होता है, डिपार्टमेंट के एवेल्युएशन के बाद डिसाइड होता है, हम लोग अपना प्रेजेंटेशन करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग भी आपने देखा होगा बिहार में इलेक्शन जिस तरह से पंचायती राज व्यवस्था में हुई थी, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से हम लोग OCR का प्रयोग, बायोमेट्रिक अटेंडेंस 100% वेबकास्टिंग, इसको लेकर भी हम लोग जा रहे हैं। मैं भी हो सकता है नेक्स्ट एवेल्युएट करके अवार्ड जो है डिपार्टमेंट को मिले। तो ये पूरी की पूरी कहानी आप लोग समझ चुके हैं, तो हम यह जल्दी जल्दी जितना हो सकता है, सबकी उत्सुकता होगी कि नंबर 1, 2 और 3 किसने किया है उनको मिले ही, और निशिकांत जी को स्पेशली थैंक्स कि उन्होंने उनके कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्रोग्राम आयोजित हुआ, और बहुत शॉर्ट टाइम में मैं आया, चूंकि आप सब जानते भी होंगे मेडिकल इमरजेंसी थोड़ी सी है, जिसके चलते आज नेशनल सिविल सर्विस डे है, तो सबसे पहले सर को बधाई। थैंक यू सो मच। थैंक
सर को सबसे पहले हम लोग सम्मानित करेंगे। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, चलिए थैंक यू, आ जाइए आप बुला लीजिए, चलिए थैंक यू, आइए रजनीश जी, चलिए थैंक यू। चलिए आप लोगों का सम्मान पाकर खुश हुए। ऑफिस का टाइम से भी मतलब आप लोग आ रहे हैं, बहुत थैंकफुल हम लोग। चलिए थैंक यू सो मच इतने बड़े सम्मान के लिए, और ऐसे ही हम काम जो है वो करते रहेंगे, आज प्राण लेते हैं, और आप लोगों के लिए भी जो हो सकता है वो हम मैक्सिमम जो है वो आप लोगों के लिए करेंगे। तो 1-3 जिनको अभी सम्मानित किया जाएगा, तब तक जो है रिक्वेस्ट है कि सभी जो हमारे यूथ हैं उनको एक एक डायरी जो है इमीडिएट आप प्रोवाइड करवाइए, किसी को भेजिए, जरा जल्दी लेके आएंगे। चलिए अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो बताइए। निष्कान जी, और इन लोगों का कोई क्वेश्चन वगैरह है, कैसा लग रहा है बताओ? 50 क्वेश्चन आप लोगों ने किया ना? अच्छा बताइए सबसे अधिक कितना किया है, किसने किया है, कुछ अनुमान है या तुक्का है? अच्छा किया है इन्होंने सर, सॉल्यूशन में अधिकांश लोगों का सही हुआ है, और कुछ ट्विस्ट वाले क्वेश्चन दिए गए थे सर कि थोड़ा सा घुमा कर कि लोग ये कर सके, और होप कि अभी जस्ट आ जाएगा स्कोरिंग इन्होंने कितना किया है, बट मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छा किए होंगे, जिस तरह से विश्लेषण आया है तो होपफुली कि आप लोगों का अच्छा स्कोरिंग आएगा, और आपके मार्गदर्शन में सर लगातार मिशन 50 में ये प्रयास हो रहा है सर, तो वही एनर्जी है सर, आपका जो मार्गदर्शन है, स्नेह है, और जो पेट्रोनस है वो स्टूडेंट्स के लिए, सभी टीचिंग कम्युनिटी के लिए ये बहुत बड़ा एक तरह से मतलब इंस्पिरेशन है और सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, और उसी के तहत आज ये मेगा इवेंट हम लोग आयोजित किए हैं, और होपफुली कि हम लोग ऐसा आगे भी करते रहेंगे। जैसा कि हमने अनाउंस किया है सर, 24 अप्रैल को केशवानंद भारती का लैंडमार्क जजमेंट आया था सर, तो उस अवसर पर एक टॉक हम लोग ट्वेंटी फोर्थ अप्रैल को सर, और अभी तक हमारा संविधान उसी से गाइड हो रहा है, केशवानंद भारती से, तो एक उस पर हम लोग टॉक ऑर्गेनाइज करेंगे और इन लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे कि किस तरह से संविधान के मूल ढांचे का जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया और इसको कैसे अभी हम लोग कंसीव करते हैं, तो एक जीएस से भी वो आप जो है केशवानंद भारती का डिटेल आप लोग पढ़ के आइएगा, उस दिन भी क्विज होगी। हाँ सर, हाँ तो उस दिन सर उसमें टॉक सोचे हैं, क्विज अगर लोग चाहेंगे तो क्विज भी कर लेंगे, लेकिन क्विज हो जाएगा तो अच्छा है ना, इन लोगों को अवार्ड्स देते रहिए, अवार्ड्स में लोग दिलचस्पी रखते हैं, क्विज कराइए और अवार्ड्स देते रहिए ताकि जो है, अच्छा फर्स्ट का नाम पहले नहीं बोला जाएगा, थर्ड सेकेंड फर्स्ट, ठीक है ना, तो पहले थर्ड से स्टार्ट करना है, थर्ड सेकेंड और फर्स्ट, ऐसे आप उसको करिएगा, बाकी का भी स्कोर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा आपको, हो सकता है कल तक हो, लेकिन ठीक है। तो आज आप लोग ये आज का रिजल्ट आप लोगों के सामने आ चुका है, थर्ड जो रिजल्ट है, फर्स्ट नहीं, थर्ड थर्ड सेकेंड, अरे तो एक एक करके बुलाएंगे ना, नाम किसे बोलेंगे पहले, पहले जो है ना थर्ड थर्ड सेकेंड फर्स्ट, रिपीट हो गया क्या? नहीं, आपका रिकॉर्ड इतना ही तक रहते हैं, तब इतना टकरा रहा है ना, 1 2 3 4 5 और उसके बाद आप छोड़ दीजिए, 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और हमारे पास वर्डे कम हो गया ऐसा है। अच्छा कोई बात नहीं है, हम लोग जो है 24 को जो रेस्ट बचेंगे ना उसको 24 को हम लोग कर देंगे, 1 2 3 4 5 5 तो दे ही सकते हो ना, फर्स्ट से सेकंड तक दे सकते हैं, ये इतना 1 2 3 4 5 नहीं नहीं 24 को बाकी का दे देंगे, 24 को जो बताएंगे नाम अनाउंस कर दीजिएगा, 1 2 3 मेजर 33 तक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 को तो दे दीजिए, और फिर 32 33 ये सब जो है ना 3 उसको हम लोग 24 को दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि टाई ज्यादा हो गया है, सेकेंड वाले बहुत लोग हैं। अच्छा चलिए तो आप फर्स्ट से बुला लीजिए, बाकी नाम सस्पेंस रखिए। 36 नंबर, इसका कोई कॉन्फिडेंस बताओ कि हाँ मेरा एकदम 36 आ सकता है, किसका आ सकता है 36? हाँ बट उठिए खड़ा होइए, नाम क्या आपका?
ये कह रही है लड़की है जो है वो कह रही है कि मेरा हो सकता है। अच्छा चलिए नाम बोलिए। रोशन कुमार यादव। आ जाओ रोशन। लाइए 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 रोशन लीजिए। चलिए बहुत बहुत बधाई। चलिए ठीक है। अरे पैर नहीं छूना, ऐसे ही आशीर्वाद है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट सेकंड। राजा कुमारी। चलिए आपका कॉन्फिडेंस था, फर्स्ट ले सेकंड आया। आइए सही कॉन्फिडेंस था, ठीक है सही कॉन्फिडेंस था। लीजिए चलिए कांग्रेस। पैर नहीं छूएगा, ऐसे चलिए ऐसे ही बचा। वही उसी मार्क्स पे फिर सेकंड थर्ड फोर्थ है, बताइए ना। 33 मार्क्स है, रोशन कुमार का 36 है, ठीक है। और 33 तीन लोग का आ गया। नाम बताते रहिए। सिंधु कुमार राहुल। आइए ये लेके आओ ना, मोमेंटो दे दो ना। नो नो आप ऐसा करो, मोमेंटो आज दे दो, बाकी का जो तीन बचा है जो कमिटमेंट है 1-3 का तो रहेगा, उनको हम देंगे। आप दीजिए मोमेंटो दीजिए, अब उसमें कंसेशन नहीं। पहले एक उसी मार्क्स पे तो वो भी लड़की है ना सेकेंड, तो फिर लड़का के साथ भेदभाव कैसे हो जाए। चलिए कांग्रेस दे देना है, कोई इशू नहीं है, ठीक है जितना है वो दे दीजिए, मेरा वाला भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी हम 24 को देंगे। आइए ना आपके लिए है, पांच ही पंप को देना है ना, 6 हमारे पास कम। आइए ना आइए आइए कम आइए, इतना मेहनत किया। चलिए आपको बहुत मेहनत किया, चलिए थैंक यू सो मच। देखिए इतना जो आपका इतनी जो क्लैपिंग ताली बजी वो इतना ज्यादा बजा कि आपको ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। तो विनर विनर तो उतना ज्यादा नहीं जितना कि आपके ताली बज रही है। नाम बोलते जाइए ना। आ जाइए कम। लाइए ना लाइए फटाफट लाइए। कितने हो गए? 3 ना हो गए, 2 और होंगे। सेकंड तक का हमको देना है, 5 को कम। चलिए बहुत ठीक है। अरे पैर नहीं छूना, पैर नहीं छूना। चलो हाँ। और लास्ट सुमित कुमार। सुमित और कोई भी सुमित है? कंफर्म बोला है, कंफर्म नहीं है ये। उसमें और क्या आपने भरवाया था? OMR लेके आ जाओ, तब तक बाकी को तो डायरी दीजिए। तब तक ये करते हैं, एक सेकंड, तब तक और भी काफी प्राइजेस है। नहीं नहीं आप सेकंड तक आइए, सेकंड हो गया पूरा। ये संदीप चौरसिया आ जाओ। संदीप चले चले लीजिए। संदीप ये मेरी किताब है, प्रैक्टिस सेट। हाँ चलिए बधाई। हाँ नेम नहीं फोटो लेगा, दूसरा कोई ले लेगा। चलो आप बुक दे दो ना, डायरी तो सबके लिए है, डायरी सबके लिए, डायरी मत दो, ये सबके लिए है तो कॉमन है। धीरज कुमार। आदित्य कुमार। चंदा कुमार। उससे मोबाइल नंबर पूछ लीजिए ना। ठीक उसी का है ना, पूरा मोबाइल नंबर बोलिए। दे दीजिए चंदा कुमारी को। दीजिए चंदा कुमारी। चंदा कुमारी चंदा। चलो
चलिए बधाई। ठीक है आइए, चलिए बहुत बधाई। अरे ऐसा है, उसके बाद ना 30 नंबर तक हो गया सर। 30 नंबर तक, बाकी सब लोगों को डायरी दे दीजिए। पेन भी है, अभी पेन भी है, पेन भी दे दीजिए, पेन डायरी दे दीजिए। ठीक है, कितना पेन है? पेन तो अभी 10 है। दे दीजिए जो भी है। गर्ल्स को प्रिविलेज दे दीजिए, वे लोग बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इन लोगों को। जो मार्क्स आएगा सर उसी के डायरी दिलवा दीजिए। बाकी 24 के लिए रख लो, 24 के लिए। ठीक है, 24 के लिए रख लो, कोई दिक्कत। डायरी दिलवाइए ना फटाफट, डायरी दीजिए, जल्दी जल्दी आइए, सब डायरी पहुँचा। आप लोग का भी स्ट्रगल है मैं समझ सकता हूँ, सबका स्ट्रगल बराबर होता है, ठीक है ना। बट गर्ल्स पे प्रेशर जो है आप देखते हैं ना, 25-26 हो जाएगा तो शादी के लिए बहुत हो जाता है। अब जल्दी से करो, बहुत सारा है। लड़कों को 2 साल छूट भी दे देंगे, कोई बात नहीं है, चलो 30 तक कोई दिक्कत नहीं, 35 तक कोई ठीक नहीं है। लेकिन इनका तो बस प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, बस जल्दी से इनका जो है कहीं, ये सोसाइटी का स्टिग्मा है जो गलत है, नहीं होना चाहिए। टेस्ट में गर्ल्स लोग अच्छा कर रहा है सर यहाँ पर जो? नहीं, आप गर्ल्स तो सब जगह अच्छा करें, क्योंकि उनको पता है यही एक चारा है, दूसरा वक्त कोई बेचारा, सब बेचारा है, क्योंकि इसी को करेंगे तो हमारा लाइफ अच्छा हो सकता है। घर में ज्यादा रहने का चांस मिलता है, पढ़ने का चांस ज्यादा रहता है। रवि कुमार आइए। नहीं, ये डायरी जो है आप ऐसे कॉमनली सबको बांट दो, हाँ इसको बुला के नहीं करिए। सो इसमें होगा प्रॉब्लम ना, मुझे टाइम नहीं है ना। ठीक है, ऐसे सबको एक सबको करण कुमार है, उसको टेस्ट पर सर अवार्ड उसको सर। हाँ तो उसका पेन होगा ना, हाँ। अलग से सेट होगा, पेन होगा मार्क, ये पेन थोड़े होगा, बड़ा पेन होगा उसका। तो पूरा उसका सेट है ना, पार्कर का पेन होगा वो। अरे पार्कर वाला पेन लाओ, तुमको जो दिया था पार्कर पेन, ये कौन छोटू वाला पेन दे रहे हो उस लोगों को? है बाकी को आप डायरी फटाफट दिलवा दीजिए, 4-5 वॉलंटियर्स है, जल्दी जल्दी करिए बिना लेट किए हुए। अच्छा सुनिए ना, डायरी आप हटिए, लेट नहीं करिए, जल्दी देते जाइए, देते जाइए जल्दी जल्दी। अरे ये सुमित कुमार था ना, आ जाइए आप, आ जाइए आपका हम लोग फिर कंप्लेंट कर। अरे ये 12 रुपये का पेन ले आया है, इसका कवर खोल के फिर पेन ले आया है। अच्छा ऐसा है, टॉपर को हम दे देंगे आज, क्योंकि हम फिर कल के बाद तो 2 दिन मेरी क्लास होगी, सैटरडे संडे उसमें हम बुलाएंगे। ठीक है, ये सब हटाइए, जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करिए, सब थोड़े चलेगा, बाद में अनाउंस कर दिए बाद में मिल जाए। चलिए डायरी जल्दी जल्दी दीजिए सब लोगों को। सब लोग मिल के दे दो, जल्दी जल्दी डायरी दो, डायरी दो, लेट नहीं करो। अच्छा लो लो लो, चलो बधाई, बहुत बहुत चलिए, बहुत बहुत बधाई। ठीक है, अरे ऐसे चलिए, ठीक है ओके आ जाए। नहीं आप लोग को जल्दी लगना पड़ेगा, लेके आए बहुत, बाकी जिनको नहीं भी मिला है तो अगले जो 20 लोग होगा वहां पर उनको अवसर मिलेगा। तो कहीं पर ऐसा नहीं है कि मतलब ये लोग को कोई हमको नहीं मिला, चाहे वो निराशा वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये लगातार ऐसा इवेंट यहाँ होता रहेगा। चलिए तो 67th को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। 67th बीपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यह है कि बचे हुए जो 15 दिन है उसका मैनेजमेंट कैसे करें। तो सबसे पहले तो जो हिस्ट्री, जहां से सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाता है, खास तौर से पूछा जाता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से, वहाँ उसके लिए जरूरी है कि नेक्स्ट जो 3 दिन है आप 3 दिन उसकी तैयारी, 24, 25, 26,
तीन दिन आपको फोकस करना है और केवल हिस्ट्री पर, उसके बाद फोकस करना है ज्योग्राफी पर, उसके बाद फोकस करना है बिहार स्पेशल पे नेक्स्ट तीन दिन, और फिर तीन दिन आपको तैयारी करनी है पूरी तरह से करेंट पर। ये चार ऐसे सेगमेंट है जब जिसपे फोकस करना है, और दो दिन जो है केवल और केवल बायोलॉजी पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री को आप छोड़ सकते हैं। लास्ट जो आपका बचता है पांच दिन, पांच दिन में आप यह कोशिश करें कि कूल होकर जो भी रिवीजन करना है आराम से करें। अब टेस्ट देने का समय बिल्कुल नहीं रह गया है, क्योंकि यह डिमोटिवेट करेगा आपको। हो सकता है आप टेस्ट दे रहे हैं कम आ रहा है स्कोर, तो आपको डिमोटिवेट करेगा, टेस्ट देना बंद करिए। मैक्सिमम जितना हो सकता है रिविजन करनी है। बहुत सारी जो है लास्ट में कैप्सूल आई है, बुक्स आई है, उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। केवल और केवल जो पढ़ा गया है उसके रिवीजन पे, रिवीजन पे, रिवीजन पे केवल आपको जोर देना है। लेकिन बिहार स्पेशल और करेंट यदि आपकी तैयारी नहीं होती है, प्रीलिम्स बिल्कुल नहीं होने वाली है आपकी। इसीलिए कोई भी गलती आपको जो है 67 बीपीएससी से बाहर कर सकती है। सेकेंड थिंग, इजी क्वेश्चन को किसी भी हालत में आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि इजी क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इजी क्वेश्चन जो आएंगे 150 में से कम जो है 70 क्वेश्चन इजी होता है। 70 में से एकदम इजी क्वेश्चन जो है 40 क्वेश्चन इजी होता है। लेकिन 3 से 4 अगर गलती करते हैं तो आप बिल्कुल बाहर हो सकते हैं। अब रही बात की जो तैयारी कर रहे हैं, 6,05,000 कैंडिडेट्स हैं, तो उसमें से जो सीरियस कैंडिडेट है उनकी संख्या बस केवल और केवल 50,000 से ज्यादा नहीं है। अब आपकी कंपटीशन केवल और केवल 50,000 कैंडिडेट के बीच है। अब 50,000 कैंडिडेट्स में भी अगर आप देखेंगे जिनकी प्रिपरेशन का जो लेवल है वो ऑन एन एवरेज जो है सभी का जो लेवल है वो 90 के आसपास है, और आपको उनसे कितना ज्यादा करना है, 5 से 7 क्वेश्चन ज्यादा करना है। तो अपनी तैयारी को दूसरे से 5 से 7 क्वेश्चन ही ज्यादा करना है। उसको 5 से 7 बनाने के लिए जरूरी है इजी क्वेश्चन को एकदम गलत नहीं करना है, केयरफुल इसको पढ़ना है तो इजी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बिहार स्पेशल को अच्छे से करेंगे तो दूसरे से आप लीड ले सकते हैं, और करेंट को करेंगे तो लीड ले सकते हैं, एकदम ध्यान रखिएगा। लेकिन यह वो समय नहीं है जिसमें कि इकोनॉमी पढ़ रहे हैं और बाकी जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ने का समय नहीं है। पॉलिटी बिल्कुल नहीं पढ़नी है, इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं पढ़नी है, हिस्ट्री को जितना हो सकता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को उसको रिवाइज करना है, बिहार स्पेशल को रिवाइज करना है, करेंट को रिवाइज करना है, बाकी को भूल जाना है। क्योंकि टाइम कम है, प्रेशर जो है कैंडिडेट्स पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है मॉर्निंग के समय जैसे वो सो के उठते हैं उनको लगता है अब तो एक दिन और कम हो गया है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है। प्रेशर को झेलने की क्षमता भी बहुत जरूरी है, वो तभी हो सकता है जब कूल माइंड होकर आप प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि तैयारी के साथ यह जरूरी होता है एग्जामिनेशन हॉल में भी क्या करना है क्या नहीं करना है। एग्जामिनेशन हॉल में आपको पहले तो एग्जामिनेशन सेंटर जो है एक दिन पहले पता कर लेना है कि कहाँ पर है। आप जिस सिटी में भी एग्जाम देने जा रहे हैं सबसे पहले आप इवनिंग में वहां पहुंच जाएं, उसी दिन पहुंचने की जरूरत नहीं, पहला। दूसरा, एक दिन पहले ही जाके एग्जामिनेशन सेंटर को देख आना है कि ये मेरा एग्जामिनेशन सेंटर है, अदरवाइज गली में हो सकती है, डिस्टेंस हो सकती है। और कई बार मैंने देखा है एग्जाम को छूटते हुए या बहुत सारे कैंडिडेट गेट पर होते हैं, गेट क्लोज हो जाता है, उनका जो रिपोर्टिंग टाइम होता है। यूपीएससी में लास्ट टाइम मैं ऑब्जर्वर था, उसमें भी मैंने देखा है कि बहुत लोगों का छूटा है, क्योंकि अंदर अंदर स्कूल होती है। आप यह मान के चलते हैं चलो ये तो राजेंद्र नगर में है, रोड नंबर 2 में, लेकिन पता नहीं रोड नंबर 2 में कितनी गली में है, कहाँ पर है। लास्ट टाइम में घबराते हुए पूछते हुए किसी भी व्यक्ति से दाएं कोई भेजेगा कोई बाएं भेजेगा, और आप उसी समय समझ लेते हैं हम तो लेट हो चुके हैं, और आप उसी समय सरेंडर करते हैं, पूरी तैयारी जो है तहस नहस हो जाती है। नंबर 1, एक दिन पहले देखना है, टाइम से पहले पहुंचना है सेंटर, आधा घंटा पहले बुलाया गया, 1 घंटा पहले पहुंचना है सेंटर पे। जाके एकदम हड़बड़ी में पूछ पढ़ रहे हैं, कुछ काम नहीं आने वाला है। अगर रिविजन करनी है इत्मीनान से रिविजन करना, मैं यही कह रहा हूँ कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना है धीरे धीरे, देखना है जब तक माइंड कूल रहे तभी तक। एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने के बाद 20 times डीप ब्रीथिंग करनी है, 20 बार जो है आपको लंबी सांस लेनी है ताकि आप कूल डाउन हो जाए, क्योंकि 90% स्टूडेंट का हाथ पांव फूलने लगता है क्वेश्चन मिलने से पहले, घबरा जाता है क्या होगा कैसे होगा। जितना ज़्यादा घबराएंगे कंफ्यूज करेंगे उतने क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बनेंगे। दूसरा है एग्जामिनेशन हॉल, आप जानते हैं पूरी ट्रांसपेरेंसी है, पूरी जो है उसमें रखी गई है कि कहीं किसी तरह से कोई गड़बड़ी नहीं हुई। तो आप इस प्रयास में मत रहें कि दाएं वाला का देख लेते हैं क्या बनाया, बाएं वाला का देखते हैं क्या, इससे आपका और कोई पूछताछ करना तो ऐसे भी अलाउ नहीं है, करिएगा तो गलत ही बताएगा क्योंकि वो भी कंप्यूटर है आपका, उससे कोई फायदा नहीं। आपको सिंपल ध्यान देना है, कूल होके खुद से आपको बनाना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में जितने भी क्वेश्चन आपको आता है उसको बनाते जाना है और हर पेज का कलर करते जाना है, तो आपको ऐसा लगेगा जब काउंट करेंगे 150 में से
तो हो सकता है कि आपने ऑलरेडी 80 क्वेश्चन को अटैम्प्ट ले लिया है या 70 क्वेश्चन फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट ले लिए हैं। सेकेंड टाइम में फिर आपको आना है, जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन को गोल गोल करते हुए जाना है ताकि उस पर हम बाद में आए, क्योंकि सभी प्रश्न का जो आपको वेटेज है एक ही मार्क्स है। इसीलिए उससे ऐसा नहीं सोचना है कि इसको बना ही देना है, मुझे आता है बना ही देना, ऐसा नहीं। इजी क्वेश्चन को पहले ले लेना है पहले राउंड में सबको। कई ऐसा कैंडिडेट करते हैं कि पूरा को बनाते ही जाना है, एक से लेकर शुरू किया सब बनाना है, छोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, फर्स्ट अटैम्प्ट में ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि 85 अटैम्प्ट नो, क्योंकि आपका टाइम ऑलरेडी किल होता है, सबको पढ़ते हैं आप। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैक्सिमम को सही मैक्सिमम को अटैम्प्ट लेना चाहिए। सेकेंड राउंड में जब आते हैं तो 50-40-50 हो सकता है, जिस पर ध्यान दे सकते हैं। जिनका मैथ आता है तो मैथ बना सकते हैं, लेकिन मैथ के लिए मैं नहीं कहूँगा कि मैक्सिमम टाइम उस पर दे देना है, लास्ट टाइम में आकर उसको करिएगा। एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। जिनका पढ़ने का रीडिंग का जो अगर स्पीड कम है, क्वेश्चन छूटने के पूरे चांसेज हैं, क्योंकि आपको फास्ट पढ़ना होता है, फास्ट देखना पड़ता है। कई कैंडिडेट को दो बार पढ़ने की आदत होती है क्वेश्चन को, एकदम गलत है, क्योंकि क्वेश्चन को दो दो बार पढ़ते रहेंगे आपका छूटता जाएगा। तो यह ध्यान रखना है कि पहले ही बारे में समझ लेना चाहिए कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। दो बार पढ़ने की जरूरत पड़ती है इजी क्वेश्चन को, जिसको कि आप लोग लापरवाही में गलती कर देते हैं, अरे यही पूछा है, अच्छा चलो डाल दिए, ऐसा नहीं करना है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लेना है। और जहां भी दो तरह का ऑप्शन आपको मिलता है, दो है तो आप सीधे ई पर जाएंगे, या नहीं मिलता है तो भी ई पर जाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन नंबर ऑफ ई बहुत ज़्यादा नहीं होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। और यह अनुमान नहीं लगाना है कि ये तो बी भी ज़्यादा आंसर आए तो समय बी रंग देगा, ऐसा भी नहीं। अनुमान कुछ भी यहाँ नहीं चलता है, इसीलिए बहुत ही केयरफुली आपको बनाना है। मैचिंग वाला को भी एक एक करके मैच करके एलिमिनेशन मेथड मैंने पहले बताया था, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो बहुत कुछ कहने के लिए नहीं है, 67th के जितने कैंडिडेट्स हैं सबको मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेज, अच्छा करिए। और यह समझ के ये आपका आखिरी एग्जाम है, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, और क्या कुछ है? बता दूंगा मैं बाद में, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में सोशियोलॉजी का बताता हूँ, या कोई जो हमारे फैकल्टी होंगे आपको बताएंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? डायरी सभी को मिल गई? मिल गई डायरी? डायरी सबको ना, आ जाइए, कम केवल वो लेके मोमेंटो लेके आ जाओ, सब बाकी छोड़ो, यहाँ आ जाइए, खड़ा हो जाइए। नहीं नहीं है ना, लड़की भी है, दिया है ना सेकंड में, वहाँ है, आ जाइए आ जाइए, कम ऐसा नहीं होगा। इधर भी आ जाइए। आ जाओ, आज ऊपर ही आ जाओ, कोई नहीं ऊपर आ जाओगे तो अच्छा रह जाएगा, लेकिन सबका लंबाई तो देख लो, आ जा रहा है सब फ्रेम में। चलिए लंबा हो जाइए, हो गया, सब लोग आ गए, क्या इधर आ जाइए, निशिकांत जी ऊपर आ जाइए। हो गया, चलिए चलिए, थैंक यू। एक बार जिनके जिनके डायरी, एक बार थोड़ा सा हाथ अपने रेज करेंगे डायरी को लेके, नहीं आएगा सबका चेहरा नहीं आ पाएगा। हो गया, चलिए ओके, चलो ओके, ठीक है, ऑल द बेस्ट, टाइम कम है, चलिए, थैंक यू सो मच।